गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं आप लोग अच्छे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी यहाँ पर अच्छे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने भी क्लास लेके नहीं आया, यहाँ पर एक सीरियस मैच और एक इतिहास को सुनाने वाले ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं करने आया है दोस्त। मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें शेयर करने आया है अपनी जिंदगी। अब आप कहेंगे आपको शेयरिंग क्या है? बच्चों, मैं जो चीजें जिंदगी में सीखा हूं वो आपको सिखाने आया है। सिखाने नहीं कह सकते, मैं शेयर करने आया है। सीखना तो आपको खुद है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं या नहीं? अरे बोलो, सक्सेस होना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, तो मैं सक्सेस होने के टिप्स नहीं दूंगा आपको। मैं आपको बिल्कुल भी सक्सेस होने के टिप्स नहीं दूंगा, नहीं जो टिप्स दूंगा वो फेल होने से बचने के लिए, कि फेल होने से कैसे बचना है। आप कहेंगे सर ये क्या आप लेके आए? बच्चों, ये वो टिप्स हैं या वो जिंदगी का मेरी एक्सपीरियंस है जो आपकी जिंदगी में भी गुजरता है और मेरी जिंदगी में भी गुजरता है। अच्छा, एक बात, इन सभी को मैंने एक नाम दिया है बैरियर। बैरियर, अब आप कहेंगे ये बैरियर क्या होता है सर? बैरियर से ये समझ लीजिए आपको, आपकी सक्सेस के बैरियर से ये आपकी सक्सेस के बैरियर से। जैसे अपनी स्टूडेंट लाइफ में आप क्यों पीले तो लाइन में तो आप लोग के घर में है तो बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उससे पहले की जिंदगी याद है। क्या जब कॉलेज जाना होता था तो यार दोस्तों के साथ बैठ के घंटों घंटों बच्चे नहीं पढ़ाते आप लोग पढ़ाते हैं ना? और क्या अपने दोस्तों के साथ मूवीज देखने नहीं जाते? जाते। क्या आप बंद नहीं पढ़ाते कभी कभी? फिर आप कैंटीन में बैठ के कब के चलाते, कोई टीचर आ गया तो आगे चलाते होता है नहीं सर? या घर पे जाने के बाद दरवाजों से कहने साहब मैं कोचिंग जा रहा हूं तो पता चला कोचिंग पहुंच गए किसी और की, क्योंकि उसका वेट करना उसका टाइम लगे होता है नहीं? अरे बोलो भाई, होता है ना? होता है। तो उसमें ये सारी चीजें होता है, आपको कब होती है ये सारी चीजें मेरे दोस्त? कब होती है? जब आपका गोल नहीं होता, और जब गोल होता है तो ये सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि आदमी अपने गोल पर फोकस करता है, और जब गोल पर फोकस करता है तो इन सारी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करता। इसलिए गोल ओरिएंटेड बनिए, जब तक गोल नहीं होगा जिंदगी में सक्सेस हासिल नहीं हो सकती, आप फेल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इसको बहुत बड़ा टॉपिक है, आप कर सकते हैं। मैंने आपको ऊपर शॉर्ट में बताया है कि गोल ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। दूसरा टॉपिक ये भी बहुत जरूरी है, किसी भी बड़े आदमी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, आदमी की सोच बड़ा होना बहुत जरूरी है। आदमी के सोच बड़े होने में आपको याद होगा बहुत कई बार ये मिसाल दी जाती है, जैसे मुकेश अंबानी या पेट्रोल पंप में मुकेश अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी जब पेट्रोल पंप पे काम करते थे तो भी वो चाय फाइव स्टार होटल में जाकर पीते थे, जबकि उनका इतनी अर्निंग नहीं थी। तो किसी ने पूछा है साहब आपको 300 रुपये 200 रुपये 250 रुपये डेली का कमाते हैं, जिसमें से 100 रुपये की चाय पी लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो इतना पैसा कमा रहा है उसकी जिंदगी कैसे गुजरती है, वो इतना पैसा कैसे कमा रहा है, वो 100 रुपये की चाय पी के उसे क्या कहता है, उसकी सोच बड़ी है। तभी तो आज की डेट में देखो पूरा हिंदुस्तान मंदिर पहुंचे में। एक और मेरा पर्सनल के साथ दोस्त अपनी गाड़ी में जा रहे थे, और गाड़ी में जाने के बाद हुआ क्या कि बराबर से बीएमडब्ल्यू मिली, तो दूसरे लोग को बता रहे कि बीएमडब्ल्यू किसकी, तो उसने कहा भाई बीएमडब्ल्यू किसकी है, ये तो लड़का चला रहा है कि बड़े भाई ने इसको गिफ्ट की है। तो वो जो ड्राइविंग कर रहा था वो कहता है यार काश मेरा भाई भी मुझको गिफ्ट कर दे ये बीएमडब्ल्यू। लेकिन जो दूसरा बंदा लड़का वो पता है क्या कहता है, बताओ क्या कहता है? वो ये कहता है कि काश मैं अपने भाई को गिफ्ट कर दूं। सोच दोनों की सोच में अंदर, पहला कहता है कि मेरा भाई मुझे गिफ्ट कर दे, जबकि दूसरा कहता है कि मैं अपने भाई को गिफ्ट कर दूं। अब
और आपसे आपको बताई जाएंगे भैया अगर 10 रुपये दे आप दे दोगे। अब आपकी जेब में 10 रुपये और वो आपके काम से भैया कह रहे आपके पता है भैया मुझे जरा 10 रुपये दे दो मुझे ये काम है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा मैं कहा दूँ या ना दूँ क्योंकि 10 रुपये है आपके पास। इसलिए अपनी सोच को बड़ा करो मेरे दोस्त, और जब सोच को बड़ा करोगे तो जाहिर की बात है उस बड़ी सोच को अचीव करने के लिए आप लोग मेहनत भी उसी प्रकार करोगे। और जब गोल नहीं होता तो आदमी क्या करता है सुबह 10 बजे से उठो बड़े कोई फिकर नहीं है, चार को 2 घंटे चाहे 4 घंटे क्योंकि फिकर नहीं है यार। फिकर होगी तो अपने काम में जाएगा, अपनी मेहनत करेगा, अपनी मेहनत करेगा, क्योंकि उसमें जब तक वो 100% हाथ नहीं करेगा तब तक वो उसमें लगा रहेगा, और जब किसी चीज की सोच ही नहीं है तो वो क्या करेगा कुछ नहीं। इसलिए बैरियर में मुझे लगता है कि गोल ओरिएंटेड, अगर जो गोल ओरिएंटेड नहीं होता वो सबसे बड़ा बैरियर है उसकी सक्सेस में, और अगर उसकी सोच बड़ी नहीं होती तो ये भी दूसरा बैरियर। तीसरा आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कि हमें और आपने एक आदत है कि हमसे किसी ने काम के लिए कहा कि ये काम करने जा रहा है, हम वो काम नहीं कर पाए तो हम कुछ ना कुछ आर्गुमेंट देंगे, हम कहेंगे यार अगर कैसे हो जाता तो मैं चला जाता या मैं कर देता। मान लीजिए किसी ने मुझसे कहा कि सब तुम वहां चले जाओ, अब इतनी बात कहते हो अलग हट गया, अब अगर मुझे जाना है तो मैं हर हाल में वहां जाऊंगा, और अगर मुझे वहां नहीं जाना तो हम क्या करते हैं ये हमारे नेचर में, अरे कि मुझे मेरे पास बाइक नहीं थी, बाइक थी तो बाइक में पेट्रोल नहीं था, पेट्रोल भी ना तो उसकी क्लच खराब थी, तो हम लोग अपने जीवन में आर्गुमेंट बन देते हैं बहुत ज्यादा आर्गुमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें, स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा एग्जाम से पहले अरे के एग्जाम में नंबर कम आते हैं, मुझे बुखार आ गया था कि साहब एक रात में आगे तबियत बहुत खराब हो गई, ये सारे आर्ग्यूमेंट हम देते हैं, ये आर्ग्यूमेंट जो हम अक्सर एग्जाम में दिया करते हैं नंबर कम आ गया, पापा ने किसी काम नहीं कहा वो काम हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारी इच्छा नहीं, और जब वो हमसे कहेंगे तो हम कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट बना के उनके सामने तैयार करते हैं, ये हमारा नीचे है। और आर्ग्यूमेंट अगर कोई देता है तो ये समझ लेना कि उसका कदम फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, अगर वो सक्सेस की तरफ बढ़ेगा तो वो आर्ग्यूमेंट आपको कमी नहीं देगा, वो जितना है उसमें मेहनत करने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने काम आ जाना है पेट्रोल लाओ बाइक लाओ साइकिल लाओ लेकिन वो जाएगा क्योंकि उसे वहां पहुंचना है, तो फेलियर पर्सन की ये आदत है कि वो हर मामले में आर्गुमेंट देगा। तो फेलियर बचने से फेलियर होने से बचने के लिए जरूरी है कि आपको आर्गुमेंट नहीं देना, और आर्गुमेंट देते हैं तो बिल्कुल तुरंत आइडिया लगा लगा कि आप लोग फेलियर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये तीसरा है। चौथा जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आलसपन, और आलसपन से नहीं ये मैंने बहुत फेस किया है, और अगर मुझे बतानी है कि उन्होंने किया नहीं किया, मैंने बहुत फेस किया है कि रात को 12 बजे तक पढ़े नहीं और सुबह से 10 बजे से उठ पड़ा है, मम्मी भी सुबह में कह दिया है मेरा बच्चा रात को पढ़ा था, सुबह में नाश्ता 10 बजे उठने के बाद बड़ा सर्टिफिकेट नाट का मिल जाता है, वो तो मम्मी को क्या पता क्या क्या बोला कि 12 बजे किताबें लेके बैठे और सो गए और सुबह में 10 बजे तक आराम से उठ रहा है, या रात को मोबाइल में चैट कर रहे हैं 2 बजे तक सुबह 10 बजे तक उठता है। आलस मम्मी ने क्या करते थे गेहूं की सोई लियो, अरे कि रात को पढ़ा था मैंने अभी थोड़ा सुखार हो गया, सुबह उठे 10 बजे 11 बजे नाश्ता करा, नाश्ता करने के बाद 2 घंटे पढ़े फिर दोपहर में नींद आने लगे, तो आलस से हमें बचना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, शेड्यूल अपना करना पड़ेगा अगर कोई होने से बचना है। और सबसे लास्ट यार घटना वह है फियर, फियर जिंदगी में हम लोगों को एक चीज का फिक्र होता है, मतलब एक फियर होता है फिक्र होती है कि मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं वो करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम नहीं कहना लोगों को छोड़ दो, तुम ये देखो कि तुम्हें क्या करना है, अगर लोगों की सोचोगे तुमने अगर लोगों की बात को अपने ऊपर लेने लगे तो समझ लेना तुम पीलियो की तरफ आगे बढ़ने लगे। मैं सक्सेस की पॉइंट नहीं बता रहा, मैं पीलियो की पॉइंट बता रहा हूँ कि आदमी पीलियो कब आगे बढ़ता है, अगर किसी ने कहा कि तुम ऐसे करना वैसे करना छोड़ दे यार उसकी बात और क्या कह रहा है, तुमने जो डिसाइड किया उस पर काम करो, ये जिंदगी में बहुत जरूरी है।
हम अक्सर नई चीजों को अडॉप्ट करने से हमेशा डरते हैं। कोई भी नई चीज अभी दो महीने से पहले जब हुआ, इस वक्त पूरी दुनिया कोविड-19 से प्रभावित है, हर आदमी इसमें कोई अच्छा नहीं है पूरी दुनिया के अंदर आज के। अगर हम नई चीजों को एडॉप्ट करने से डरेंगे तो शायद क्या आपने मैंने सोचा था कि हम आप इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। आप लोग सुबह 12 बजे कॉलेज आ सकते, मैं वहां पर आपको पढ़ाता था और भी टीचर्स पढ़ाते थे, लेकिन हम नहीं पढ़ते। लेकिन आज की डेट में एजुकेशन प्रणाली पूरी बदल गई। नहीं सोचा था ना तुमने, सोचा ना मैंने सोचा, मेरे भाई बिल्कुल नहीं सोचा। आज की डेट में यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है, यूट्यूब में आपकी सारी क्लासेस चल रही है, व्हाट्सएप के माध्यम से सारी क्लासेस चल रही है, और भी तरीकों से बहुत सारी क्लासेस चल रही है। लेकिन पहले नहीं था, पहले सोचा करते थे यार कैसी क्लासेस चलेगी, सोचा था आपने। तो अगर नई चीजों से एडॉप्ट करने से डरोगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए रिस्क लेना पड़ेगा नई चीजों का, ऑफलाइन और ऑनलाइन। जैसे मैं आज की बात करूं, AICTE, UGC इन सब ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि अब 20% आपको ऑनलाइन कोर्स हर सत्र में हुआ करेगा। अब आप अगर पहले से नई चीजें हम करते तो ये ऑनलाइन वर्ड नया नहीं लगता, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको इस चीज से अवगत कराएं कि व्हाट इज ऑफलाइन और व्हाट इज ऑनलाइन। ऑफलाइन मतलब जो हम कॉलेज में मिला करते थे वो ऑफलाइन है, और आज जो मिल रहे हैं ना ये ऑनलाइन। इसी तरीके से आपके टेस्ट एग्जाम की सारी चीजें ऑनलाइन संभावित लग रहा है मेरे को कि इस बार आपका ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होने जा रही है। एग्जाम भी हो सकता है, ये संभावना है पूरी पूरी, क्योंकि कोविड-19 की मार इसकी मार इतनी तकड़ी है कि अभी नहीं है। तो एग्जाम हो सकता है आपके ऑनलाइन के अंदर। इसलिए ये जितनी भी चीजें हैं आपको अडॉप्ट करनी है और ऑनलाइन पद्धति की मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। ऑनलाइन मतलब अपने घर बैठे बैठे पढ़ने वाला, आपको एग्जाम देने के लिए किसी सेंटर पर नहीं जाना है। इससे हम आपको जरूर अवेयर कराएंगे और इसकी बाकी सारी जानकारी भी आपको नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेटिव हमारे टीम में कोई भी आपको इसकी पूरी प्रोसेस की जानकारी देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और सबसे जरूरी चीज, अब आज को हम इंटरेक्शन कर रहे हैं इस माध्यम से, उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट इंटरेक्शन आपसे कॉलेज के अंदर होगा, क्योंकि इस तरीके के पूरे आसान। लेकिन धन्यवाद कहने से पहले कुछ अपने दिल की बात आपसे शेयर करना। पिछले 2.5 महीने से हम और आप एक दूसरे को देख नहीं पाए, तो मुझे भी लगता है यार कि अब इंटरेक्शन होना चाहिए। और इसमें अच्छी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से नए नए आदेश आ रहे हैं उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि हम और आप दोबारा कॉलेज में जल्दी मिलेंगे, क्योंकि अब मन नहीं लग रहा है यार घर पे। आप लोगों को देखे हुए समय हो गया, जब आपसे वहां पर क्लास में मिलना, आपको डांटना फटकारना, कभी प्यार करना, आपकी गलतियां याद आ रही हैं कि आप जब छोटी छोटी गलतियां करते थे उस पर हम डांटते थे तो हमें बड़े होने का एहसास होता था, जब हम प्यार करते थे तब भी हमें बड़े होने का एहसास होता था, तो वो सारी चीजें याद आ रही हैं। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि हम जल्द से जल्द कॉलेज में मिले उसी तरीके से, उसी अंदाज में जैसे हम पहला मिला करते थे। अब दोबारा फिर कहूंगा